बेटा, वीडियो में हाय। अरे वाह, हाय की। 1, 2, 3, फक इट। चैनल सो आज मैंने कियारा अडवाणी इंस्पायर मेकअप लुक किया है। सो ये वीडियो मेरे चैनल पे या तो मैं डालने वाली होंगी या बाद में डालूंगी, सो देख लेना आप लोग। सो आज मैं करने वाली हूँ CTM। CTM करना क्यों जरूरी है मेकअप करने के बाद, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। गाइज, सबसे पहले आप लोगों को क्लींजिंग करनी होगी चेहरे की। सबसे पहले मैं ये रिमूव करूँगी अपने जो भी मतलब प्रोडक्ट हमने चेहरे पे लगाया है वो सब हमें रिमूव करना है। सबसे पहले हमें क्लींजिंग करनी है। यहाँ मैं ले रही हूँ गार्नियर का मिरेकल वाटर, और आप पे जो भी हो क्लींजिंग मिल्क हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। इधर मैं एक हैंकी ले रही हूँ, आप कोई सा भी या तो आप कोई कॉटन पैड वगैरह ले सकते हो या कॉटन ले सकते हो। मैं यहाँ हैंकी यूज़ कर रही हूँ, या कोई कपड़ा जो थोड़ा सिल्की सा हो जिससे कि हमारे चेहरे को कोई दिक्कत ना हो वो ले सकते हो। मैंने यहाँ लिया है इस तरीके से। मैं इसको अपने आईज पे इस तरीके से लगाए रखूँगी एक मिनट के लिए, एक मिनट नहीं 30 सेकेंड समथिंग। तो अभी आप लोग देख लो क्लीन हो गया। इधर ये मैंने क्लीन कर दिया अपना मेकअप, मैं रिमूव कर रही हूँ इस तरीके से। ये मेरा रूटीन भी है, और अभी मैं चेहरे हाफ चेहरे पे करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से होता है। हमें मेकअप रिमूव कर लेना है, उसके बाद हम या तो हम फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आपको फेस वॉश नहीं करना है तब भी चलेगा, क्योंकि ये अच्छे से क्लीन कर देता है, और मिरेकल वाटर जो है गार्नियर का बहुत ही अच्छा है, और आप इसे यूज करना, आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप फेस वॉश भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना फेस वॉश तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको लगाने के बाद आप सी कर लिया है हमने, अब टी और एम बचा है। अभी मेरा सेकंड जो चीज़ है वो है टोनर। हम टोनर यूज़ करेंगे। टोनर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर, और ये बहुत ही अच्छा है। फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है। और अभी आपको मैं थोड़ा इसको टोनर लगा के दिखाती हूँ। अभी मैंने ये इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे जिससे कि ये स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। देखते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो पूरे चेहरे पे अच्छे से मतलब मैंने अच्छे से अप्लाई किया है, तो आपका चेहरा कभी भी खराब नहीं होगा और अच्छे से ग्लो भी करेगा। इस तरीके से आप टैप टैप कर सकते हो पूरे चेहरे को। मैं स्नो की क्रीम ले रही हूँ, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर है, एक अच्छा बेबी क्रीम है हिमालय की। लास्ट वन इज हिमालय बेबी क्रीम। आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हो घर पे या कुछ भी फूड क्रीम वगैरह एनीथिंग आप लगा सकते हो, बस मॉइस्चराइज करना चाहिए चेहरे को। ये है मेरा थर्ड। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा ही क्वांटिटी लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है चेहरे को। इस तरीके से मैं थोड़ा सा लिया, और फेस इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड ऐसे करके पूरे चेहरे पे अप्लाई कर दिया। अभी हो गया है मेरा मेकअप रिमूव अच्छे से, और क्लीन भी हो गया। अब बताओ गाइस कैसी लगी वीडियो। CTM बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे स्किन को भी ख़राब नहीं होने देता, और मेकअप कितना भी कर लो अगर आपने CTM कर लिया उसके बाद तो आपका मतलब चेहरा ख़राब होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। कभी भी डायरेक्टली मेकअप अप्लाई करने के बाद मेकअप मतलब अगर आप फ्री हो गए पार्टी वार्टी तो जब भी मतलब अगर वीडियो वगैरह भी बनाते हो तो जब भी आप फ्री हो जाओ तो उसके बाद मेकअप इस तरीके से डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करना है, आपको CTM ही करना है। CTM करने से मैंने बता दिया आपको कि चेहरा
बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सो ये बात जरूर डाल लेना दिमाग में। सो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्या करने वाली हूँ मैं। फिर इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और भी वीडियो देखने के लिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। सो शुरुआत में मैंने इस वीडियो में स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था कि कियारा आडवाणी का मैंने इंस्पायर मेकअप लुक किया है, जो कि शेर शाह मूवी से है। सो अगर आपने नहीं देखा जाकर तो देखो जल्दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।